हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर 5, डेट इज़ फॉर्मूलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी को आपको कैसे पढ़ना है अपने स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल से। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ पेज नंबर 1 पे, आप देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स लिखा है। तो क्या हमें ये पढ़ने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने, कुछ नहीं है इनमें, इन्हें तो आप करेंगे इग्नोर, ये भी कुछ नहीं है। मार्केटिंग प्रोसेस को आप ज़रूर देखेंगे अपने स्टडी मैट से, यहाँ से भी, यहाँ पे तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो यहाँ से तो आप इसे नहीं देख सकते। तो मार्केटिंग मिक्स को आप यहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केटिंग मिक्स को यहीं से क्या करें, कवर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जैसे हमारे इसमें आते हैं मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो आप इनको यहाँ से पढ़ लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे लेकर चल रहा हूँ। तो ये जो सब हमें दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सभी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अ फ्यू न्यू पीज, तो क्या ये हम यहाँ से पढ़ेंगे? तो माय आंसर इज़ यस, आप यहीं से इसको कवर कर लें और ये मोर देन आपका इनफ हो जाएगा यहीं से पढ़ने में। तो आपका पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस, आप यहाँ से इसको लेके चल सकते हैं। इसको यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। एक ये है हमारे डीलिंग विद मार्केटिंग एनवायरनमेंट, तो क्या आप इसको पढ़ेंगे? मेरा आंसर तो वैसे ना ही है, ना ही पढ़ें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक्स। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक्स को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यहाँ से ना पढ़ के इसको आप पढ़ें स्टडी मैट में से। अभी मैं आपको स्टडी मैट में भी लेकर चलूँगा और वहाँ पे मैं आपको इसको दिखा दूँगा। तो ये देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, एनलाइटेंड, डिफरेंशियल, सिंक्रो, ये आप सभी को कहाँ से पढ़नी है? अपने स्टडी मैट से। और पीएम से बिल्कुल भी इसको रेफर ना करें, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल, अभी हम देख रहे हैं, तो इसको आपको यहाँ से नहीं करनी है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और डी मार्केटिंग में देखिए कैसे इन्होंने एक एक लाइन लिखी हुई है, तो इस तरीके से हमको नहीं चलना है। हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का एक आप आइडिया ले सकते हैं अगर आप पीएम के इस सोर्स को लेकर चलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यहाँ से पढ़ें। उसके बाद आता है हमारा इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ अ बिजनेस, तो क्या हम इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं? तो माई आंसर इज यस, यू कैन स्टडी इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लें। मैनेजमेंट और यूसेज ऑफ फंड्स की बात आती है, तो मैनेजमेंट और यूसेज ऑफ फंड्स इसमें इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से बिल्कुल ना पढ़ें और इसको यहाँ से बंद कर दें। अगला आता है हमारा प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। देखो, बात करो अगर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पता क्या पूछा जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आता है आपका लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इस पर आपको ध्यान देना है और इसको बिल्कुल यहाँ से याद कर लेना है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग SCM, इस बार ये एग्ज़ाम में आ गया था, पूरा क्वेश्चन 7 नंबर का आया था आई थिंक, तो ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं और करके तो ज़रूर जाएं, क्या पता पूछ लें, वैसे तो बहुत कम चांसेस है क्योंकि एक बार इस बार एग्जाम्स में ये पूछ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ज़रूर करना। और इसके लिए मैं शायद एक वीडियो बना भी चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटेजिक रोल। मुझे इस बार जो चांसेस लग रहे हैं वो इसी के लग रहे हैं कि अगर इस चैप्टर में से 7 नंबर का कोई क्वेश्चन आया तो वो ये आ सकता है, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM। और इसकी एक एक हेडिंग भी अपने में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, जैसे कि प्रोवाइडिंग पर्पजफुल डायरेक्शन, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर, ये सब अपनी इंडिपेंडेंट हेडिंग्स हैं। लेकिन आप इसको यहाँ से ना ही पढ़े तो अच्छा है, इसको आप लें स्टडी मैट में से, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट में अगर आप यहां आएंगे तो आपको एक पूरा डेफिनेशन का ओवरव्यू मिलता है। जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करें, सो डैट आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये तो आपको एट एनी कॉस्ट करना ही करना है, इसको तो आप ज़रूर करेंगे क्योंकि इससे हमें बिल्कुल अपनी तैयारी का आइडिया हो जाता है कि हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैंने पहले ही यहाँ पे टिक भी लगाए हुए हैं, ये बताता है कि मैंने अपनी स्टडीज़ के टाइम पे इनको किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब चलिए आगे चलते हैं, फिर आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन पार्ट है, और उसके बाद अगर मैं आऊँ आपको क्वेश्चन थ्री के आगे लेकर, यहाँ पे देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कंसेप्चुअली वाइडर देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने भी आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। जैसे कि लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, जरूर पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, जरूर जरूर पढ़ लेना। पिछले से पिछले अटैम्प्ट में इसमें आया था डिफरेंस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में, तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, देखो ये रहा वो आंसर पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन का। चलिए अब हमारे आते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। इसमें लिखा है व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन टर्म ऑफ लेवल विच पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो इसको तो इतना नहीं है, देख लेना, करना हो मर्जी आपकी, वैसे मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ये आप यहां से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ऑफ एन एंटरप्राइज, हाउ द वर्थ ऑफ अ बिजनेस इज इवैल्यूएटेड, तो इसको तो आप जरूर कर लेंगे यहां से, तो ये कवर भी हो जाएगा आपका, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत इसके नहीं है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर करेंगे यहां से। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन सेवन, व्हाट इज SCM, इज इट सेम एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देखो ये मैंने अभी अभी मैं आपको तीन बार दिखा दिया है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जा चुका है, ये देखिए कितना बड़ा इन्होंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको तो आप जरूर जरूर कवर करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है एट, डिस्कस मेजर स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग SCM, ठीक है। तो ये मेजर स्टेप ये जरूर कर लेना, क्योंकि भाई ये लेकिन आया था इस बार, तो मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, अदरवाइज पूछने को तो पूछ भी सकते हैं, उनका भाई कुछ नहीं पता। इस बार आ चुका है, पहले ही बता रहा हूँ, मई 17 में आ चुका है वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है, लेकिन पॉइंट्स तो जरूर याद कर लेना इनके, ठीक है। क्वेश्चन 9 आपका वही आ गया मार्केटिंग मिक्स, और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर कर लें। तो यही था आपका प्रैक्टिस मैनुअल में से, कि आपको प्रैक्टिस मैनुअल में से कैसे स्टडी करना है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टडी मैट में। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर 5 के स्टडी मैट में, फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी में। अब आप देखेंगे हम यहाँ से क्या क्या स्टडी करना है, ये देखिए ये पेज में बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, यहाँ से तो कुछ नहीं पढ़ना है, डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर के सिर्फ ये स्टेप्स याद आपको कर लेने हैं, इनको कर लीजिएगा लर्न, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है मार्केटिंग प्रोसेस, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो माय आंसर इज नो, मार्केटिंग प्रोसेस में कुछ नहीं है, बट हाँ मार्केटिंग मिक्स इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये देखिए मैंने कितनी ज़्यादा मार्किंग करी थी जब मैंने इसको स्टडी किया था, तो आप एक बार देख सकते हैं और यहाँ से अपने हिसाब से मार्किंग कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आते हैं हम अपना प्राइस वाले पे, प्राइस पे ये देखो ये ना सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए जरूर है, इसमें से थोड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो आपको यहाँ से कवर करनी पड़ेंगी, और आप कर भी सकते हैं। जैसे प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, ये मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से भी ले सकते हैं प्रैक्टिस मैनुअल से, और यहाँ से भी एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको एक डिटेल्ड स्टडी करनी है तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, इसको यहाँ से कर लेंगे तो चल जाएगा बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा सा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और दो या तीन नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप तीन नंबर में बताइए पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस की एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो आप यहाँ से इसको जान सकेंगे। अगला आता है हमारा मार्केटिंग एनालिसिस, अगर आप चाहें तो छोड़ देना, कोई इसमें करने की इसको जरूरत नहीं है। उसके बाद डिलीवरिंग विद मार्केट, डीलिंग विद मार्केटिंग एनवायरमेंट, नहीं जी नहीं, हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा था ये आपको यहाँ से कवर करनी है, ये देखो भी आपको मिल भी जाएगा, मैंने यहीं से पढ़ा था मेरे को याद है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सब मार्किंग की हुई है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, इस तरीके से ही आप भी इसको यहाँ से अपना स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार 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 आईसी इनके क्वेश्चंस पूछता है कि बताओ सिंक्रो मार्केटिंग क्या है, कंसेंट्रेटेड क्या है, डी मार्केटिंग क्या है, या फिर ऑगमेंटेड क्या है, डायरेक्ट क्या है, ये सब क्या क्या है, तो ये यहां से वो पूछ लेते हैं। तो आपको ये करना है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, आप वहीं से कर लेना, मैंने आपको बताया था, यहां से इतना कुछ इसमें है नहीं, वैसे मैंने पढ़ा था तो बस आपको ये मार्किंग दिख रही है, अदरवाइज तो आपको इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है आपके एग्जाम में। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को आप एक तरीके से छोड़ सकते हैं, बट लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको रीडिंग देनी है तो आप इसको रीडिंग दे सकते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है, अदरवाइज तो कुछ इसमें है नहीं। ये देखो मैंने जैसे लिख रखा है कॉस्ट कम होगी, सामान कम रखना पड़ेगा, डिलीवरी जल्दी मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, तो आप भी इसको देख लो और लिख लो अपनी बुक में अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा आया इंप्लीमेंटिंग SCM, ये बता चुका हूं 7 मार्क्स में ICAI ने, ये मई 17 के अंदर पूछ चुकी है ICAI, तो इसको आप एक तरीके से थोड़ा कम ध्यान इस पे दे सकते हैं। R&D को जरूर कर लेना, इसको तो भाई बिल्कुल कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी ही हो जाएगा।
उसके बाद आता है HRSF भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लास्ट के जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चैप्टर ही लगेगा लेंदी बट बहुत आसान चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और HR इसके ऊपर तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मैं उसको लिंक भी उसका दे दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको देख लेना और आपका ये पूरा का पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था हमारा इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊँ ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM है ना, ये यहाँ से कवर करना आप, ठीक है, इसको PM से नहीं करना है, इसको स्टडी मैट से करना है। ये देखो क्या बना दिया मैंने, स्टडी मैट से करना है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे होप है कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि हम इसको स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल से कैसे पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।